उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार शनिवार से महिला और बेटियों के लिए मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत कर रही है। मिशन शक्ति का तीसरा चरण महिलाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध करना रहेगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रक्षाबंधन से एक दिन पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त तथा कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। इस खास मौके पर कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला चिकित्सकों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, महिला स्व सहायता समूह, महिला स्वसेवी संगठनों के अलावा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं मथुरा में भी मिशन शक्ति में तृतीय चरण का शुभारंभ और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत करीब 1.50 लाख पात्र बालिकाओं को अनुदान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण करते राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के कार्यक्रम मिलिट्री कॉलेज के किसान भवन सभागार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा तमाम लोग शामिल हुए हैं और यहां पर महिलाएं उपस्थित रही हैं, बालिकाएं उपस्थित रही हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। तो मिशन शक्ति का जो तीसरा चरण है उसकी शुरुआत आज होने जा रही है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और खुद यहां पर निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। केंद्रीय मंत्री पीलीभीत में भी मिशन शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, यानी कि यूपी के हर जिले में मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है और शहर के गांधी स्टेडियम स्थित गांधी प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में महिलाओं और महिला पुलिसकर्मियों सहित जिलाधिकारी पुलकित खरी, CTO, SP, CMO, बरखेड़ा विधायक प्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष तमाम लोग शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि इस बार 75 महिलाएं जो हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, जो चिकित्सा क्षेत्र में हैं, आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, इन सभी को सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ आज संकल्प लिया जाएगा कि किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण और ज्यादा मजबूत किया जाए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इस मौके पर। शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, मथुरा और पीलीभीत, जहां पर मिशन शक्ति के तहत जो तीसरा चरण है उसका आगाज किया गया है और ऐसे में महिलाओं को और बालिकाओं को सम्मानित किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। करीब 1.55 लाख बेटियों को सम्मानित किया जाएगा और यूपी मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ होते हुए ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी यहाँ पर मौजूद रही हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मथुरा पीलीभीत की तस्वीरें। इसके अलावा तमाम उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर मिशन शक्ति का आगाज किया गया है। तो करीब 1.55 लाख बेटियों के खातों में ट्रांसफर होंगे करीब 30.12 करोड़ रुपए और ऐसे में उन्हें सशक्त किया जाएगा। जिस तरह से महिलाएं लगातार उत्तर प्रदेश में आगे तमाम चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। इस कोरोना काल में जिस तरह से नर्सों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं ने काम किया है उनको भी सम्मानित किया गया है। कुछ क्षेत्रों में कर दिया गया है, कुछ जिलों में आगे तैयारियाँ की जा रही हैं। तो यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम और नेता भी शामिल रहे हैं और जिस जिस जिले में जहां जहां ये कार्यक्रम हो रहा है वहां पर जिलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। आगरा में भाई बहनों के पवित्र पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। यहां ऐसी विशेष राखियां तैयार की जा रही हैं जो कि वैदिक है। इस बार रक्षाबंधन पर बांधी जाने वाली ये राखियां भाइयों को कोविड-19 से बचाएंगी। आगरा के रानी लक्ष्मीबाई बाल केंद्र पर छोटी बच्चियों द्वारा कुछ ऐसी ही राखियां बनाई जा रही हैं जो भाइयों की कलाई पर
बंद कर उनको कोरोना वायरस से बचाव करेंगे। इन राखियों को वैदिक नाम दिया गया है। राखी बनाने से पहले एक छोटी पोटली तैयार की जाती है जिसमें 8 वस्तुओं को भरा जाता है। पोटली के अंदर लौंग, इलायची, कपूर, जावित्री फल, तुलसी, गिलोय, हल्दी को भरकर इसके ऊपर हाथों से कारीगरी की जाती है, जिस वजह से राखियां बेहद खास है। स्व सहायता समूह की सदस्य ममता बताती है कि जिस तरह वैदिक काल में घरों में किसी को नजला, सर्दी, जुकाम आदि होता है, तब घरेलू नुस्खे के तौर पर ये सब चीजें धागे में बांधकर एक पोटली बनाकर बांध दिया करती थी, उसी को आधार बनाकर हमने ये राखियां तैयार की हैं और इन्हें वैदिक राखी का नाम दिया गया है। तो आगरा की एक खास तस्वीरें आप देख सकते हैं, खास राखियां इस बार तैयार की गई हैं। कोरोना काल में ये बेहतर राखियां तैयार की जा रही हैं और जिस तरह से आयुर्वेद को भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उसी के संबंध में ये राखियां भी तैयार की जा रही हैं। खुद जो पूरा परिवार है इन राखियों को तैयार कर रहा है और इनका ये कहना है कि ये जो राखियाँ हैं वो इस कोरोना काल में जो भाई हैं, जब ये बहनें राखी बांधेंगी अपने भाइयों को, तो अपने भाइयों को वो कोरोना काल से बचा सकती हैं, कोरोना से बचा सकती हैं। ऐसी ये राखियाँ है, वैदिक राखियां इन्हें नाम दिया गया है। तो आगरा की एक खास तस्वीरें जहां पर छोटी छोटी बच्चियां भी परिवार के साथ मिलकर ये वैदिक राखियां तैयार करवा रही हैं और इसके अलावा कहा जा रहा है कि कोरोना काल में राखियां काफी ज्यादा मार्केट में उपलब्ध हैं और बेची भी जा रही हैं। आपको बता दूं कि कल राखी का त्यौहार है, उससे पहले ही तमाम तैयारियां, तमाम बाजार जो हैं वो सज चुके हैं। कोरोना काल चल रहा है भैया, इसीलिए राखियाँ तो बहुत मिलती हैं, तो हमने वैदिक राखियाँ बनाई हैं जो अपने हमने बुज़ुर्गों से हमने अपना तजुर्बा लिया, अपने वेदों में पढ़ा, तो हमने सब जानकारी लेने के बाद हमने एक पोटली तैयार की। उसमें हमने हल्दी, चंदन, कपूर, गिलोय, तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ों का एक हमने पोटली बनाई जो कि हमें हमारी मार्गदर्शक रीना सिंह दीदी ने हमें बताया। तो उस पोटली को हमने जितना अच्छा हम डेकोरेट कर सकते थे हमने उतना अच्छा डेकोरेट उसे किया है, कोशिश की है उसे, और जिससे कि हम अपने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने भाइयों की कलाइयों पर ये राखी बांध सकें, जैसे उनके जो भी कोविड-19 के जो भी संक्रमण होंगे वो उससे दूर रहें। हमारे यहाँ पर किशोरी विकास केंद्र पर वैदिक राखियाँ तैयार की जा रही हैं। क्या क्या लगाया जा रहा है इनमें? एचेरियल इसमें वैदिक राखियाँ, तो उसमें सब कुछ वैदिक ही है, जैसे चंदन है, जावित्री है, लौंग है, इलायची है, तुलसी है, ये सब कपूर है, इन सब का मिश्रण बना के राखी तैयार हो रही है। ऐसा क्यों, कैसा लगा आपको तो वैदिक राखियां बनाई जाए, किसमें फायदेमंद है ये राखी? ये राखियां वैसे कोरोना काल में फायदेमंद है और ये जो लॉजिक है वो मरेली की संयोजिका कल्पना संघर जी के दिमाग में आया कि पोटली बनाकर हम ऐसा कर सकते हैं। फिर रीना दीदी ने उसको नया रूप देने की कोशिश की और हमने फैंसी राखियां वैदिक राखियां के तैयार की। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अमित शर्मा मेरे साथ आगरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ये जो विशेष राखियां हैं जिनको वैदिक राखियां कहा जा रहा है, इनका क्या महत्व है और जो परिवार इसे बना रहा है उन्होंने क्या सोचकर इन राखी का निर्माण किया है? मैं आपको बता दूं कि महामारी कोरोना के बाद से लगातार जो एक पूरा दवाई का जो एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, उससे बचाव का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसको लेकर या एक किशोरी विकास केंद्र की ये युवतियां हैं जो कि सेवा भारती के अंतर्गत काम करती हैं, एक स्वयं सहायता समूह है, इनके दिमाग में ये विचार आया कि जो जड़ी बूटियां हैं जिनसे हम लोग जो एक संक्रमण है उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं, तो इन्होंने उन राखियों का निर्माण किया है जिसमें सभी जड़ी बूटियां डाली गई हैं पोटली बनाकर, जो अगर हाथ पे अगर बांधी जाएंगी तो उसकी खुशबू से पूरा वातावरण जो है वो संक्रमित मुक्त हो पाएगा। बिल्कुल अमित, अगर बात की जाए राखी के त्यौहार की, देखिए पूरे देश में राखी का पर्व जो है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कुछ दिन पहले से ही जो बाजार हैं वो सज जाते हैं, रंग बिरंगी राखियां, मिठाइयां जो हैं वो बाजारों में दिखाई देने लगती है। अगर बात की जाए आगरा की, तो आगरा में किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में राखी का त्यौहार आया है, पिछला साल भी ऐसे ही निकल गया, दुकानदार जो है क्या उनकी बिक्री सामान्य तौर पर हो रही है, राखियां कैसी कैसी उपलब्ध है बाजार में? बाजार में सभी प्रकार की राखियां उपलब्ध हैं, पर वैश्विक महामारी कोरोना के बाद से जो बाजार का हाल है वो बुरा है इस समय। रक्षाबंधन के पर्व पर जितनी रौनक और जितनी खरीदारी पिछले से पिछले वर्ष के अनुपात में अगर औसत में बात की जाए तो वो 25% भी नहीं बची है।
बिल्कुल अमित, क्या जो परिवार ये विशेष राखियां तैयार कर रहा है, इनसे बात हो पाई है? क्या कहना है इनका, इनका मतलब उद्देश्य क्या था इस इन राखियों को तैयार करने का? बाजार में क्या पहुंच गई हैं बिकने के लिए राखियां? मैं आपको बता दूं कि ये परिवार नहीं है, ये एक स्वयं सहायता समूह है जिसमें महिलाएं काम करती हैं, किशोरियां काम करती हैं जी। इनकी जो राखियां हैं उनका आगरा में बड़ी भारी डिमांड पर ये राखियां जा रही हैं। 30 से 50 रुपए की ये राखियां है और इससे होने वाला जो मुनाफा है, ये जो किशोरी है इनकी पढ़ाइयों में खर्च होगा और जो भी पैसा इसमें बचेगा मुनाफे में इनकी पढ़ाई के खर्च के बाद भी, उसको वो समाज के विकास के कार्यों में लगाएंगी। ये नेक उद्देश्य इनका है राखियां बनाने का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो आगरा में विशेष राखियां तैयार कर दी जा रही हैं और इन राखियों का नाम वैदिक दिया हुआ है। इनका कहना है कि वैदिक राखियां जो हैं वो कोरोना से बचाव करेंगी और इन राखियों की डिमांड भी लगातार आगरा में बढ़ रही है। 50 रुपए से ये राखियां शुरू हैं, आगे इनकी कीमत और भी बढ़ेगी। जिस तरह से जौन सी वैरायटी की आपको राखी चाहिए वैसी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये राखियां बहुत ही सुंदर फिलहाल तो नजर आ रही हैं। क्या देखना होगा कि इन राखियों की डिमांड शाम तक कितनी और बढ़ती है। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने भारत नेपाल सीमा से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने करोड़ों की स्मैक बरामद की है। थाना अध्यक्ष रुपई डीहा अभय सिंह और उनकी पुलिस टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 241 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इसके साथ ही तस्कर के पास से कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने पकड़े गए तस्करों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार द्वारा चलाए गए अभियान के तहत पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी। तो बहराइच का एक पूरा मामला है जहां पर तस्करों के पास से करोड़ों की स्मैक बरामद की गई है। भारत नेपाल सीमा से 3 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरअसल ये तस्कर स्मैक भारत में बेचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहां पर पुलिस की सतर्कता से तीनों तस्कर धर दबोचे गए हैं। नोएडा में रात में हुई बारिश ने प्राधिकरण के विकास के दावों की पोल खोल दी है। नोएडा की पुलिस चौकी भी पूरी तरह से जलमग्न नजर आई है। सेक्टर 63 स्थित सी ब्लॉक चौकी पर पानी भरा हुआ है। चौकी के बाहर भी जल भराव हो रखा है। चौकी तक पुलिसकर्मी और लोगों को जाना मुहाल हो चुका है। चौकी के बाहर तालाब जैसा नजारा दिख रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। जल भराव में मोटरसाइकिल भी निकालना मुश्किल हो रहा है। नोएडा के ये हालात हैं और सेक्टर 63 का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस चौकी पूरी तरह से जलमग्न होती हुई नजर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप बता दूं कि देर रात से ही लगातार दिल्ली और NCR में बारिश हो रही थी, इसकी वजह से जगह जगह जल भराव हो चुका है। वाहन नहीं निकल पा रहे हैं, लोग पानियों में से गुजर कर ऑफिस और अपने घरों तक पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और ये पुलिस चौकी भी पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही है। सेक्टर 63 की पुलिस चौकी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप पैदल निकलना चाहते हैं तो आप नहीं निकल सकते। घुटनों तक पानी भरा हुआ है और मोटरसाइकिल भी निकालना दुश्वार होता हुआ नजर आ रहा है। तो नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और नोएडा के सिर्फ सेक्टर 63 ही नहीं, नोएडा के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति है और फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यानी कि देर शाम या कल सुबह फिर से बारिश हो सकती है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। अगर बारिश और ज़्यादा होती है और मौसम ऐसा ही बना रहता है तो आने वाले समय में और ज़्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि देर रात हुई बारिश से ये सड़कों का हाल है। तो अगर ज़्यादा बारिश होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानियाँ लोगों को हो सकती हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर पूरी तरह से सड़कों का निर्माण हो रखा है, वहां पर भी ड्रेनेज की कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं और इसी वजह से जल भराव हो रहा है। पुलिस चौकी पूरी डूबी हुई नजर आ रही है। सेक्टर 63 की ये पुलिस चौकी जहां पर अंदर तक पानी भर चुका है और यहां पर दुपहिया वाहन डूबते हुए नजर आ रहे हैं, लोग पैदल चलकर आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो दिल्ली और नोएडा का यही हाल है, देर रात हुई बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नोएडा की तस्वीरें ये हैं, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में ही लोगों का बुरा हाल है बारिश की वजह से।
तो देर रात से सुबह तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील होती हुई नजर आई हैं। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि सेक्टर 63 में किस तरह से पानी भरा हुआ है और लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो बारिश की वजह से वैसे ही उत्तर प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं, लेकिन नोएडा जैसे इलाके का भी बुरा हाल है। और नोएडा से मेरे सहयोगी भूपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि नोएडा की सड़कों का बुरा हाल है, जगह जगह पर जल भराव है। मौसम विभाग चेतावनी दे चुका है कि आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। आगे क्या तैयारी है नगर निगम की, और इसके अलावा जो सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, क्या अब वहां से पानी की निकासी हो पाई है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से रात में नोएडा में बारिश हुई है, उसके बाद सुबह ऐसा नजारा देखने को मिला कि नोएडा पूरा जलमग्न हो गया और चारों तरफ केवल जलभराव ही जलभराव नजर आ रहा था। चाहे आप सड़कों की बात करें, दलित प्रेरणा स्थल के सामने भी देखिए काफी जलभराव हुआ था, जिसके बाद गाड़ियां वहां रेंग कर चल रही थी और काफी ऐसी गाड़ियां थी जो कि खराब हो गई थी वहां पर। इसके अलावा सेक्टर 63 में चौकी तक में पानी घुस गया था और सेक्टर 30 का जो जिला अस्पताल है वहां पर भी जो है जलभराव की स्थिति देखने को मिली। कुल मिला के कहा जाए तो पूरे नोएडा में जैसे बारिश रात हुई है, उसके बाद जलभराव की स्थिति बहुत ही बेकार रही है। और जो यहाँ के प्राधिकरण के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि जो मानसून के लेके तैयारियां की जाती है प्राधिकरण की तरफ से, वो पूरी नहीं थी। हर बार प्राधिकरण देखा जाए तो नोएडा की सड़कों का सुंदरीकरण हमेशा ही होता रहा है। अगर जरा सा भी सड़कों में गड्ढा हो जाता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है और उसे पूरी तरह से दुरुस्त किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी तस्वीरें ऐसी नजर आ रही है, जगह जगह जल जमाव हो रखा है। यहाँ गलती किसकी है, कहाँ कमी है, क्या प्रशासन की अनदेखी है? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशासन की अनदेखी तो है, क्योंकि हालांकि जो सीईओ हैं यहाँ की ऋतु माहेश्वरी, वो लगातार देखिए भ्रमण भी करती हैं और अभी जहाँ पर रोड बन रहा था कई जगह वो गई भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं जल भराव की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि न्यूज वन इंडिया की तरफ से उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया है फिलहाल, क्योंकि जिस तरह से ये स्थिति हुई है कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण जो है और उसके विकास के जो दावे हैं उन पर सवाल उठ रहा है और उनके विकास के जो दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे वो बार बार कहते हैं कि हमने मानसून की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह कर ली हैं और हमारी सड़कें हों और पूरे नोएडा में कहीं जलभराव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति अगर देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण के जो विकास के दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए भूपेश। तो नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से ही जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुल्तानपुर के भदैया स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस में ही एक मरीज की मौत हो गई। मरीज घंटों तक अस्पताल के बाहर इलाज के लिए तड़पता रहा, पर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक अस्पताल ही नहीं पहुंचे। वहीं मरीज की मौत के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जमकर हंगामा काटा। इसके साथ ही चिकित्सक पर शराब पीकर स्वास्थ्य केंद्र पर देरी से आने का भी आरोप लगाया है। मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जीके त्रिपाठी ने जांच कर कार्रवाई की जाने की बात कही है। सुल्तानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मरीज की मौत हो गई है। दरअसल एम्बुलेंस की सहायता से मरीज जो है वो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन इलाज न मिलने के अभाव में मरीज ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में डॉक्टर नदारद थे और वो अगर पहुंचे भी तो उन्होंने शराब पी रखी थी, ऐसे आरोप जो है परिजनों ने लगाए हैं। जमकर यहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले को शांत कराया, साथ ही साथ अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जो ड्यूटी पर उस समय तैनात थे, चाहे वो नर्स हो, वार्ड बॉय हो, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।